नमस्कार, दिन भर की चुनिंदा और नई खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बोधनी देवी कॉलेज और दंतेश्वरी हॉस्टल में गड़बड़ी को लेकर छात्र छात्रा मिले जिला कलेक्टर से। राई द स्टोन नाटक का मंचन मशहूर रंगमंच कलाकार सत्यजीत भट्टाचार्य की याद में किया गया यह कार्यक्रम। जेल विभाग की पहल, सजा याफ्ता कैदी बेच रहे स्वादिष्ट मुंगेड़ी। शारदीय नवरात्रि पर मनोकामना लिए घुटने के बल से जा रहे श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। शारदीय नवरात्र दंतेवाड़ा की तरफ पैदल जाने वाले पदयात्रियों की सुरक्षा को लेकर विश्व हिंदू परिषद गंभीर है। परिषद के जिला मंत्री हरीश साहू ने पुलिस प्रशासन से इस विषय को लेकर ये उम्मीद जताई है कि पदयात्रियों की सुरक्षा का खासतौर पर ध्यान रखे और बेलगाम दंतेवाड़ा मार्ग पर दौड़ने वाली वाहनों पर निगाह रखे। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री हरीश साहू ने स्थानीय दंतेश्वरी मंदिर के सामने मीडिया के सामने यह बात कही। पदयात्रा जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं व्यवस्था थोड़ा सा गड़बड़ होगा, तो मैं पुलिस प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ कि कम से कम सुचारू रूप से सबको व्यवस्थित करे। मैं हमारे RTO पुलिस प्रशासन से भी मैं आग्रह करता हूँ, क्योंकि अभी जो भीड़ जो दिख रही है, मतलब गाड़ी में ओवरलोड, कहीं ऐसे ड्राइवर जो दिखते हैं, नशा भी दिखते हैं, तो पुलिस प्रशासन को इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि एक जो व्यक्ति के कारण कहीं बड़ी घटना भी हो सकती है, कई लोगों को नुकसान भी हो सकता है। डिमरापाल स्थित बोधनी देवी फार्मेसी कॉलेज के प्रायोगिक परीक्षा के अंक में छात्रों को गड़बड़ी की शिकायत है, तो दूसरी तरफ दंतेश्वरी कॉलेज में बुनियादी सुविधाओं को लेकर छात्रों ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। इसे लेकर विद्यार्थी जिला कलेक्टर से मिलने आए थे। बोधनी देवी में प्रायोगिक परीक्षा में अंकों की गड़बड़ी पर छात्र रितेश कुमार बोदला ने मीडिया को बताया कि किस प्रकार प्रायोगिक परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। सर, हमारे साथ बहुत गलत हुआ सर, कि जो रेगुलर कॉलेज आ रहे हैं स्टूडेंट, उनका जो प्रैक्टिकल मार्क्स है वो 80 में 41-42 है, और जो नहीं आते हैं सर, जो हमारे साथ प्रैक्टिकल एग्जाम तक नहीं दिए, उन लोगों का 80 में 79-76 ऐसा नंबर आया सर। और कॉलेज में सर एब्सेंट फीस के नाम पे 100-100 रुपये पर डे के हिसाब से कुछ कुछ स्टूडेंट लोग से 26,000 तक लिया गया सर। और हमारे जो रिजल्ट आया उसके बाद हम लोगों ने हमारे आंसर शीट खुलवाने तक की मांग की गई, लेकिन हमारे ऊपर दबाव बनाया गया और जो करना कर लो बोले सर। इन्हीं सब मामलों को लेकर हमने कलेक्टर सर को ज्ञापन सौंपा है। दूसरी तरफ दंतेश्वरी गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में बिजली, पानी और अन्य बुनियादी सुविधा नहीं मिलने से नाराज छात्राओं ने जिला कलेक्टर से मुलाकात की। फाइनल की छात्रा ने मीडिया को बताया। जी, हम हॉस्टल में 150 से ज़्यादा लोग रहना चाहते हैं। आज हम अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर सर के पास आए हैं। वहाँ पर हॉस्टल है, बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ पर रहने के लिए कोई सुविधा नहीं है। लाइट नहीं है, पानी नहीं है, और फिर जितना भी जो भी हमें गर्ल्स की ज़रूरत होती है वहाँ पर रहने के लिए हॉस्टल में, वहाँ कुछ भी सुविधा नहीं है। और हम बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग ज़िले से मतलब बिलोंग करते हैं, और बहुत गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमें यहाँ जगदलपुर सिटी में रेंट में रहने में बहुत दिक्कत होता है, और बहुत सारे परेशानियों से हमें गुजरना पड़ता है। और हम इतने भी अमीर घर के नहीं हैं जो कि हम रेंट में रह के पढ़ाई कर सकें, हम आर्थिक स्थितियों में भी घिरे हुए हैं। छात्र छात्राओं की जायज मांगों को लेकर बस्तर अधिकार मुक्ति मोर्चा और छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जे के नेता नवनीत चांद ने कहा, प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए। अंक बढ़ाने को लेकर लेन देन कर रहे हैं, ये गंभीर आरोप वहां के छात्रों ने लगाया है, और इस संपूर्ण मामले की निष्पक्ष जांच की मांग भी संबंधित जिला प्रशासन कलेक्टर से की गई है। ये आरोप बच्चों के द्वारा लगाया गया है कि एक राशि की डिमांड जो है प्रबंधन के द्वारा की गई, उस राशि को नहीं देने के कारण से जो रेगुलर छात्र हैं उन्हें 80 में से मात्र 41 नंबर प्रायोगिक में दिए गए। बच्चियों को रहने के लिए सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई जा रही हैं, यहां तक कि उनको मजबूरन तौर पर निजी घरों पर किराए में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये अपने आप में क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के कार्यशैली में और प्रशासनिक कार्यशैली में बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो आज हम ज्ञापन देने आए हैं और आने वाले समय में धरना देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। जिला जेल के पास बस्तर की लाजवाब मुंगेड़ी का मजा ले सकते हैं।
आस्था मुंगेड़ी सेंटर में बने मुंगेड़ी की खासियत यह है कि इसे सजायाफ्ता कैदी बना रहा है। केंद्रीय जेल की इस पहल की शहर में काफ़ी सराहना हो रही है। इसमें बनाने वाली मुंगेड़ी का स्वाद लेने बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। महज हफ्ते भर आस्था मुंगेड़ी सेंटर ने अपनी शुद्धता और स्वाद की एक पहचान बना ली है। ग्राहक ओम प्रकाश ने ग्रैंड न्यूज़ को बताया। तो मैं जब यहाँ पर पहली बार खाया तो बहुत बेहतरीन ढंग से यहाँ पर बनाया गया, कोई मिलावट नहीं था और साफ सफाई भी यहाँ पर बहुत अच्छा था और टेस्ट बेहतरीन है यहाँ का, और यहाँ का जो चटनी बनता है वो भी बेहतरीन है। मज़ा आ गया, मैं दो बार खाया हूँ और उम्मीद करूँगा कि मैं बार बार आऊँ, हमारे दोस्तों को भी बताऊँ। जो भी ये सेंटर खोला गया है बहुत अच्छा सेंटर है, लोगों को आना चाहिए यहाँ पर, यहाँ का आनंद लेना चाहिए। टेस्ट का जो मुंगड़ी बन रहा है बेहतरीन क्वालिटी का है। माँ अन्नपूर्णा युवा एसोसिएशन संस्था यानी माया की महिलाओं द्वारा हर साल की भांति दर्शन करने आए हुए श्रद्धालुओं को जगन्नाथ मंदिर के पास प्रसाद वितरण किया गया। यह संस्था द्वारा समय समय पर जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करती है। सामाजिक कार्य में हमेशा माया संस्था की महिलाएं बस्तर जिले में काम कर रही हैं। इस बारे में जानकारी देते हुए संस्था की सदस्य पूजा बत्रा ने बताया। हम लोग की एक सोसाइटी बनी हुई है जिसका नाम माया है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने आज माता दंतेश्वरी को प्रसाद चढ़ाया हुआ है और ये हम प्रसाद वितरण कर रहे हैं दशहरा के उपलक्ष्य पर। और जैसे सप्तमी और अष्टमी में तो सारे लोग बांटते ही हैं, तो हमने सोचा कि उससे पहले क्यों ना प्रसाद बांटा जाए, तो बस ये एक माता रानी को भेंट चढ़ाया हुआ है और उसी के अंदर हम सबको प्रसाद बांट रहे हैं। मौके पे जब भी ऐसा कोई मौका लगता है तो हम आगे आते हैं और जन सेवा करते हैं, लोगों की सेवा करना ही हमारा उद्देश्य है। बस्तर दशहरा के अवसर पर बुधवार को दंतेश्वरी मंदिर के समक्ष स्थित टाउन क्लब मैदान में 5 दिवसीय रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम का शुभारंभ बस्तर सांसद एवं बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज द्वारा किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बस्तर सांसद दीपक बैज ने कहा, बस्तर दशहरा का आयोजन पिछले वर्षों में कोरोना महामारी के कारण नहीं कर पाए थे, इसलिए इस वर्ष छोटे स्वरूप में ही सही हमने यह आयोजन करने का निर्णय लिया। इस आयोजन में बस्तर के अलावा छत्तीसगढ़ और भारत के अन्य प्रांतों की भी प्रस्तुति होगी। इस प्रस्तुति का आनंद दशहरा देखने आए हुए सभी ग्रामीण और नगरवासी अवश्य लें। ऐसे आयोजन से बस्तर की प्रतिभाओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सांस्कृतिक संरक्षण के उद्देश्य से यह कार्यक्रम आयोजित की जा रही है। सांसद ने सभी कलाकारों और कार्यक्रम आयोजक बादल संस्था के सभी कार्यकर्ताओं को अपनी शुभकामनाएं दी। सभी लोगों का दायित्व तो बनता है, उस दायित्व को बराबर हम निभा रहे हैं और इसके साथ ही हमारे यहाँ के कलाकारों को, यहाँ की संस्कृतियों को संरक्षित भी करना हमारी भी जवाबदारी बनती है। इसलिए ताकि टूरिज्म प्लेस माध्यम से हमारा पर्यटन स्थलों को हम विकसित करने के लिए प्रचार प्रसार करें, हमारे बस्तर की संस्कृति को हम प्रचार प्रसार करें। कलेक्टर चंदन कुमार ने कहा कि विश्व प्रसिद्ध 75 दिवसीय बस्तर दशहरा की विशेष पहचान है, इसे देखने के लिए देश विदेश से पर्यटक आते हैं। सभी जगह से, चाहे वो हमारे स्थानीय हो या सुप्रसिद्ध राज्य के बाहर के हों, वैसे कलाकार यहाँ पर आकर अपनी प्रस्तुति देंगे। बस्तर में रंगमंच की पहचान दिलाने वाले बस्तर का वो कलाकार रंगमंच के प्रेरणा दिवंगत सत्यजीत भट्टाचार्य, जो सबको रुलाकर चला गया, आज उसी कलाकार के बदौलत बस्तर के नाट्य मंच के लिए प्रदेश सरकार ने नाट्य थिएटर की नींव रख दी है और बहुत जल्द ही बस्तर वासियों को यह सौगात मिलने वाली है। आज बस्तर के तमाम थिएटर कलाकार उनको याद करते हुए नाटक राइड द स्टोन का मंच मैत्री संघ के नाट्य मंच में किया गया। रंगमंच के प्रेरणा दिवंगत सत्यजीत भट्टाचार्य को लोग प्यार से बापीदा के नाम से पुकारते थे। आज उनके द्वितीय पुण्यतिथि पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए एक प्रचलित नाटक राइ द स्टोन का मंचन किया गया, जिसमें सभी कलाकारों ने बेहतरीन मंच साझा किया। हमारे बापीदा की द्वितीय पुण्यतिथि थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में राइ द स्टोन नाटक का मंचन किया गया। श्रद्धांजलि स्वरूप इस नाटक को हमने आज हमारे कलाकारों ने खेला है और जितने भी दर्शक यहाँ पे आए उन्होंने बहुत ही उसका मनोरंजन किया और अभियान की अब ये प्रस्तुति स्टार्ट हो गई है और अभियान की गति इसी तरह लगातार पकड़ेगी और हम जैसे पूर्व में विदेश में अनेक जगह जा नाटक खेलते थे, इसको हम लोग आगे भी जाकर खेलने का प्रयास करें। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। हाल ही में नवनियुक्ति प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के दौरे के बाद बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे संभाग के दौरे में पहुंचे हुए हैं। गुरुवार को जगदलपुर पहुंचे सांसद और बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे ने जगदलपुर स्थित
भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया। बस्तर संभाग के 7 जिलों एवं 12 विधानसभाओं का दौरा उनके द्वारा किया जाएगा। पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, भाजपा चुनावी मोड़ पर आ गई है। सेवा तो करते हैं किंतु सेवा के बाद इलेक्शन में भी उतरना पड़ता है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी है, ये तो शांति काल में भी युद्ध की तैयारी करते हैं, तो हमारी तैयारी तो हमेशा अहिर्निश तैयार रहते हैं। संशोधन क्या कर सकते हैं वो सब प्रकार से करेंगे, जो जो जीत के लिए जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी 2023 इलेक्शन मोड में आ चुकी है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं, और हमारे कार्यकर्ता तैयार। इन दिनों शारदीय नवरात्रि चल रही है और भक्तगण माँ दंतेश्वरी के दर्शन करने दंतेवाड़ा निकले हुए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पद यात्रा कर रहे हैं। वहीं कई लोगों को देखा गया है कि लोग घुटने और हाथ के सहारे चलकर माता के दरबार पहुंच रहे हैं ताकि उनकी मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसा दृश्य जगदलपुर से दंतेवाड़ा जा रहे युवकों में दिखा, जो घुटने के बल कई किलोमीटर चलकर दंतेवाड़ा पहुंचे और दंतेश्वरी माँ के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। यही कारण है कि कई जिले कई गाँव से लोग पैदल बैठकर लेटकर या घुटनों पर चलकर दंतेवाड़ा पहुंच रहे हैं और माँ दंतेश्वरी के दरबार में श्रद्धालुओं की मनोकामना की मन्नत पूरी होती है। यही कारण है कि हजारों की संख्या में लोग दंतेवाड़ा पहुंचते हैं। श्रद्धालुओं के लिए दंतेवाड़ा जिला प्रशासन ने जगह जगह पर खराब सड़कों पर बोरा बिछाकर एवं मेडिकल भोजन चाय नाश्ते रुकने की व्यवस्था भी की गई है। माँ दंतेश्वरी सारी मनोकामना को पूर्ण करती है और यहाँ से 85 किलोमीटर दूर है माँ दंतेश्वरी का शक्तिपीठ दंतेवाड़ा। काफ़ी संख्या में श्रद्धालु पदयात्रा कर वहाँ जाते हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ और माँ की कृपा सब पे बनी रहे, यही मनोकामना है। मेरी भी कुछ मनोकामनाएं थी जो माता के भक्ति से पूरा हो हुआ है और इसलिए मैं भी पदयात्रा कर रहा हूँ। बारिश बहुत ज़्यादा ज़िले में हो रही है और सड़कों का डामरीकरण का कार्य अभी फिलहाल संभव नहीं था, इसके लिए पूरे गड्ढों को भराया गया था। वर्षा बहुत ज़्यादा है तो कई जगह पर गड्ढे बार बार खुल रहे थे, एक बार गड्ढे को भरा के उसमें बोरियाँ बिछा दी गई ताकि जो भक्तगण आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की असुविधा ना हो और जैसे ही बारिश खत्म हो जाएगी इसमें आगे का भी जो है रिपेयर का जो काम है या अन्य जो काम उसको करना चाहिए। एक वर्ष पहले अपने दोस्त की हत्या के मामले में फरार आरोपी को बोधघाट पुलिस ने विजयवाड़ा से गिरफ्तार करते हुए उसे जगदलपुर लाई, जहाँ उसे न्यायालय में पेश किया गया। हत्या का कारण आरोपी का मृतक की पत्नी से प्यार करने की बात भी सामने आई है। मामले के बारे में जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक हेम सागर सिदार ने बताया कि 18 दिसंबर 2020 में ग्राम आड़ावाल नयापारा में नंदू जंगम उम्र 46 वर्ष निवासी आड़ावाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला था। मामला में घटनास्थल का निरीक्षण करने व शव के पोस्टमार्टम एवं परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर मामले में हत्या का मामला दर्ज किया गया। वहीं आरोपी श्रीनिवास बिरली के विरुद्ध थाना बोधघाट में हत्या का मामला दर्ज करते हुए धारा 302 भादवी का अपराध दर्ज कर जांच में लिया गया है। मामले का आरोपी श्रीनिवास बिरली जो मद्देड़ जिला बीजापुर का मूल निवासी है। मामले का जो आरोपी है वो घटना कारित करने के पश्चात जो है फरार हो गया था। मामले में आरोपी की पता तलाश की जा रही थी, दौरान पतासाजी के ज्ञात हुआ कि मामले का जो आरोपी है वो विजयवाड़ा क्षेत्र में उपस्थित है। सूचना पर निरीक्षक लीलाधर राठौर के नेतृत्व में एक टीम गठित कर विजयवाड़ा रवाना किया गया था। उक्त टीम के द्वारा विजयवाड़ा में एक संदिग्ध व्यक्ति की पहचान कर घेराबंदी कर पकड़ा गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम श्रीनिवास बिरेली निवासी मद्देड़ जिला बीजापुर का होना बताया गया, जिससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि मृतक की पत्नी को जो है यह प्रेम करता था और इसी उद्देश्य से जो है इसने मृतक नंदू जंगम की जो है धारदार हथियार से हत्या कर देना बताया। और मामले में जो है आरोपी श्रीनिवास बिरेली को थाना बोधघाट के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अगली खबर तिल्डा नेवरा से। वार्ड क्रमांक 15 में नगर पालिका परिषद द्वारा यामिनी वर्मा, विश्वनाथ साहू एवं राजेश अग्रवाल की भूमि है, जिसका इनके द्वारा नगर पालिका को टैक्स भी पटाया जाता है, जिसमें उन्होंने अपनी भूमि को सुरक्षित करने के उद्देश्य से बाउंड्री वॉल का निर्माण चालू करवाया था। जब निर्माण कार्य चालू हुआ तब नगर पालिका निगम द्वारा नोटिस देकर काम को रुकवा दिया गया। तब से लेकर आज तक उसमें कोई भी निर्माण नहीं किया गया। इसके बावजूद इन तीनों के ही बाउंड्री वॉल को बिना किसी पूर्व सूचना के बुधवार को तोड़ दिया गया। आपको बता दें वार्ड क्रमांक 15 इनके जमीन से लगे हुए और कई बाउंड्री वॉल बने हुए हैं जिन्हें पालिका द्वारा नहीं तोड़ा गया।
पीड़ितों ने नगरपालिका की कार्यशैली पर मनमर्जी का आरोप लगाते हुए कहा कि नगरपालिका बड़े बड़े लोगों के द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण पर ध्यान नहीं देती, समय समय पर महज नोटिस देकर शांत हो जाती है। पालिका में कोई भी अधिकारी उपस्थित नहीं था, इस वजह से संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाई कि बाउंड्री वॉल को क्यों तोड़ा गया। इस प्रकरण में सबसे खास बात यह है कि उपरोक्त तीनों भूमि स्वामी का तहसील ऑफिस से तिल्डा में प्रकरण जारी है, जिसकी अभी आगामी 7 तारीख को सुनवाई है। तहसीलदार द्वारा किसी भी प्रकार का निर्माण तोड़ने के आदेश जारी नहीं किया गया है। तहसील ऑफिस में प्रकरण चलते हुए भी नगर पालिका द्वारा सिर्फ 3 लोगों के ही निर्माण को तोड़ा जाना समझ से परे है। जमीन को कल तोड़ा गया है, उस पर तहसील ऑफिस में उसका प्रकरण भी चल रहा है, तो इस पर आपका कोई आदेश हो? मेरे तहसील कार्यालय से तोड़ने संबंधी कोई आदेश तो जारी नहीं हुआ है और वर्तमान में वो प्रकरण मेरे यहाँ लंबित है। यहाँ पे कल नगर पालिका के द्वारा बिना किसी सूचना के हमारे प्लाट को तोड़ा गया है। यहाँ पे 3 प्लाट के लाइन से जिसको बस तोड़ा गया है, जबकि बाजू में और प्लाट है उनको किसी भी प्रकार का क्षति नहीं पहुँचाया गया है। और इसकी पूर्व में हमको किसी प्रकार की तोड़ने संबंधित नोटिस नहीं दिया गया था और अचानक जब हम प्लाट पे पहुँचे तो गाड़ियाँ नगर पालिका की इसको लगभग पूरी तरीके से हमारी बाउंड्री वॉल दुकान जो बनी हुई थी उसको तोड़ के तबाह कर चुकी थी और यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी नहीं था, बिना कोई अधिकारी के ये कार्यवाही को अंजाम दिया गया। अब खबर गरियाबंद से। पीएम स्वनिधि योजना के गरियाबंद में 73 लोगों का परिवार को संवारा जीवन। और आज इसी कड़ी में नगर पालिका के सभा घर में आयोजित कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा पीएम स्वनिधि योजना का लाभ उठा रहे लोगों को सम्मानित किया गया। साथ ही इन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का द्वारा भेजा गया शुभकामना संदेश पत्र भी दिया गया। कोरोना महामारी के दौरान हजारों लोग अपना रोजगार गंवा बैठे थे, छोटे व्यापारियों का कारोबार चौपट हो गया था, ऐसे में उनके लिए अपना गुजारा करना मुश्किल होने लगा। तब ऐसे लोगों की मदद के लिए केंद्र सरकार पीएम स्वनिधि योजना के नाम से एक स्कीम लेकर आई। इसके तहत रोजगार शुरू करने के लिए बिना गारंटी के 10,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। सरकार ने इस स्कीम को खास तौर पर स्ट्रीट वेंडर्स के लिए शुरू किया, जिन्हें कोरोना महामारी की वजह से काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने उनके पीड़ा को समझते हुए उन सबके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लोन देकर उन्हें पुनः स्थापित करने का बड़ा पीड़ा उठाया है। श्री मेमन ने कहा, आज जब लोन उठा चुके लोग लोन जमा कर फिर से इस योजना का फ़ायदा उठा रहे हैं, फिर से इन सबको अपने पाँव में फिर से खड़ा होते हुए देख मुझे आत्मीय खुशी हो रही है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से सर मेरा फायदा ये हुआ कि कोरोना काल में हम लोग का सबका दुकान बंद था, काम वगैरह कुछ नहीं चल रहा था, तो उसी में हम लोग लोन लेके अपना जीवन यापन चलाए और कुछ करने सोचे थे उसको भी हम लोग पूरा किए। कितने का लोन मिला था आपको? फर्स्ट टाइम 10,000 का मिला था सर। हमारे लॉकडाउन में काम धाम पूरा बंद हो चुकी थी, हम लोग तरह तरह के इधर उधर काम ढूंढ रहे थे, हमको मिल ही नहीं रही थी। फिर अचानक ये योजना हमसे मिला, हम लोग पहला डोज 10,000 निकाले और इसको हम अपना घर से हल्दी मिर्चा कोरोना काल से भी घर घर में पहुंचाने के काम करी मैं। और 10,000 को पटाने के बाद 20,000 का और मिला दूसरा डोज, अब 50,000 और मिलेगा बोल रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी को, आगे हम ऐसे सपोर्ट करते रहें। देखो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हो हर वर्ग के लिए काम करते हैं, उनको हर किसी की चिंता होती है, हर किसी को अपना परिवार मानते हैं। उसी उसमें आज प्रधानमंत्री जी ने कोरोना के बाद छोटे व्यापारी सब्जी भाजी पंचर सैलून इसके उसके सभी के लिए स्कीम निकाले हैं, उसी के उसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना निकाले, आज हम लोगों को प्रमाण पत्र दिए और प्रधानमंत्री जी के यहाँ से एक संदेश लेटर आया है, उनको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दिए हैं। वो आज फिर से अपने पैरों पे खड़े हैं माननीय प्रधानमंत्री का। मैं अपनी नगर की जनता की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ, देश की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं हमको जो हर किसी की चिंता करते हैं। आज ग्रैंड न्यूज में बस इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।